नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में 24 अक्टूबर को रावण वध का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर कमेटी के सदस्य, कमेटी के संरक्षक आज मौजूद हुए हैं। वहीं उन्होंने बताया कि इस बार रावण वध में क्या कुछ खास तैयारी की गई है, वहीं इस पूरे मामले पर उनका क्या कुछ कहना है, आप उनकी बातों को सुनिए। दशहरे के शुभ अवसर पे भैया ऐसे की श्री दशहरा कमेटी ट्रस्ट समिति छोटा भाई सभी पत्रकार महोदय का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती है। सबसे पुराना छोटा भाई है। सम्मानित लोग यहाँ उपस्थित हैं। जैसा कि रामलीला और रावण वध का कार्यक्रम पिछले 68 सालों से श्री दशहरा कमेटी ट्रस्ट के द्वारा होता आ रहा है, उसी क्रम में अब की बार गांधी मैदान में 24 तारीख को सायं 4:30 बजे से लेके 5:30 बजे तक 1 घंटे का कार्यक्रम रावण वध का यहाँ आयोजित है। रावण आप देख रहे हैं कि लगभग तैयार हो चुका है। रावण जी, मेघनाथ जी, कुंभकर्ण जी आराम कर रहे हैं। अभी कल वो अपनी जगह स्थापित हो जाएंगे और परसों शाम को हम लोग सभी को मिलके पूरे बिहार वासी, पूरे पटना वासी, कमेटी के सभी सम्मानित लोग मिलके रावण दहन का कार्यक्रम करेंगे। शोभा यात्रा इसी क्रम में नागा बाबा ठाकुर वाड़ी से 2 बजे निकलेगी, जो 4 बजे के आसपास गांधी मैदान गेट नंबर 1 से प्रस्थान करेगी। इसके अलावा बाकी सब व्यवस्था है, आपने देखा कि लगातार प्रशासन मुस्तैदी से काम कर रहा है और बरोबर बैठ के करके जो भी समस्याओं का समाधान है उसको करने का प्रयास कर रहा है। आपके माध्यम से हम एक सादर अनुरोध करना चाहेंगे कि बच्चे, बुजुर्ग लोग, बहुत लोग आते हैं, माताएं, बहनें, युवा साथियों से आग्रह होगा कि बच्चों के जेब में कम से कम एक स्लिप, उनका नाम, मोबाइल नंबर और मोहल्ले का नाम, ये तीनों लिख के अवश्य डाल दें। इस चीज को कमेटी आपसे आग्रह करती है कि ज्यादा से ज्यादा यदि आप इस मैसेज को देते हैं तो कोई भी बच्चे कार्यक्रम के बाद जल्दी खोएंगे नहीं। और हर साल 15-20-25-40 बच्चे खोए हुए मिलते हैं, उनको समिति के सभी सम्मानित लोग घर तक पहुंचाने का काम करते हैं प्रशासन के द्वारा। अब हमारे बाद हमारे अध्यक्ष जी अरुण जी इस चीज को बताने जा रहे हैं। 24 अक्टूबर को राजधानी के गांधी मैदान में रावण वध कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसके लिए तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। दशहरा कमेटी के द्वारा हर साल रावण वध कार्यक्रम करवाया जाता है, इस बार रावण 70 फीट का है। तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। आज दशहरा कमेटी के द्वारा प्रेस वार्ता के माध्यम से जानकारी दी गई। वहीं संयोजक कमल नोपानी ने बताया कि हर साल दशहरा कमेटी के द्वारा रावण वध कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, इस बार भी रावण वध कार्यक्रम का धूमधाम से आयोजन किया जाएगा। यही नहीं, आतिशबाजियों के लिए बाहर से व्यवस्था किया गया है। साथ ही साथ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ कई लोग भी शामिल होंगे। सुरक्षा की पूरी तरह से व्यवस्था की गई है। तो जैसा कि राजधानी पटना के गांधी मैदान में 24 अक्टूबर को रावण वध होगा, वहीं इसके लिए पूरी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। और आपको बता दूं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी रावण वध में शामिल होंगे, जिसके लिए कमेटी के सदस्य ने बताया कि जो भी तैयारी है और सभी के ऊपर अच्छे से निगरानी की जाएगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे एक न्यूज 24। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए, और अगर यही वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।